हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज एक और वैग ग्रुप की गाड़ी है और एक नई वीडियो है टोटली। ये वीडियो एक मैं बात करूँगा सिर्फ वैग ग्रुप की गाड़ियों के लिए, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको भी आई होगी, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मे भी हो सकता है अभी आने वाले टाइम में अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप पहले से अलर्ट रहें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो है कि गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, कभी कभार तो एकदम प्रॉपरली स्टार्ट होती है और कभी कभी ऐसे स्टार्ट होती है सेल्फ इतने कम राउंड लेती है, इंजन इतने धीरे से घूमता है कि ऐसे लगता है जैसे बैटरी प्रॉपरली ड्रेन आउट हो चुकी है, लेकिन बैटरी आपकी एकदम न्यू है। आपको पक्का पता है कि बैटरी इज़ ऑलमोस्ट न्यू, बैटरी का रोल है ही नहीं। आपको लग रहा है कि या तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होगी या कुछ और। तो ये गाड़ी में वही दिक्कत है, इसका जो स्टार्टर मोटर है, जो इसको सेल्फ भी बोलते हैं, वो लोड ले रहा है, मतलब वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। कभी कभी तो प्रॉपरली काम करता है लेकिन जब इंजन हीटअप हो जाता है तो वो प्रॉपरली काम नहीं करता, ठीक है। तो इसी के चक्कर में अपने क्या करेंगे, इस स्टार्टर मोटर को खोलेंगे, इसकी करेंगे सर्विसिंग और फिर इसको दोबारा से फिट करेंगे, देखेंगे गाड़ी में भी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होती है या नहीं होती है। तो इसको खोलने का प्रोसीजर ज़्यादा लंबा नहीं है, ऊपर से कोई ज़्यादा फिटिंग नहीं खोलनी पड़ती, बैटरी वगैरह नहीं हटानी पड़ती। तो ऊपर बस एक ही बड़ा बोल्ट है, उसको खोलना है, वो जो सामने बोल्ट आपको दिख रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये बोल्ट है, इसको खोलना है। उसके बाद नीचे नट हैं वो खोलने हैं और पीछे से वायरिंग के नट्स हैं दो, वो खोलने हैं। अर्थिंग और जो मेन आता है दोनों के दोनों खोलने हैं अपने को, मतलब प्रॉपरली एक दो तीन चार, चार नट्स होंगे, चारों के चारों खोलने के बाद ये स्टार्टर मोटर है ये नीचे से बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से फिटिंग हो इसकी निकल चुकी है, बस सिर्फ नीचे से एक नट रहता है, वो निकालने के बाद अपने इसको बाहर निकालेंगे, फिर इसको प्रॉपरली डिसअसेंबल करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। ये देखिए, सो ये मोटर अपनी बाहर आ चुकी है, दिस इज़ इट, ऐसी दिखती है स्टार्टर मोटर एक शकोडा रैपिड के अंदर। पोलो, वेंटो, एमयू, पसाट, जेटा, सुपर्ब, सभी के अंदर सेम स्टार्टर मोटर होती है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो टेबल पे आप लेकर आ चुके हैं अपने स्टार्टर मोटर को, तो अभी ये करेंगे इसकी प्रॉपर डिसअसेंबली। सारी की सारी वीडियो के पार्ट्स जो होंगे लगभग मैं टाइम लैप्स में रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। सो डू एंजॉय द टाइम लैप्स, एंड तक जरूर देखना, आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी, इंटरेस्टिंग है वीडियो। और ये है वैग ग्रुप की गाड़ी द स्कॉडा रैपिड और इसी के ऊपर वीडियो है, इसके स्टार्टर मोटर की अपने कर रहे हैं सर्विसिंग। सो एंड तक जरूर देखना और प्लीज़ यार, अगर आप पहली बार चैनल पर हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। इससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, आगे फ्यूचर में मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। और देखते हैं अभी इसके अंदर और क्या क्या प्रॉब्लम निकलती है। तो जैसे कि देखिए, इसका जो सिलेंडर है पूरा का पूरा एकदम गंदा हो रखा है, इसके अंदर जो ग्रीस है वो ड्राई आउट होके एकदम स्लग बन चुका है। सो इसको क्लीन करेंगे अच्छे से, इसकी प्रॉपर वॉशिंग करेंगे एक लिक्विड के साथ और उसके बाद दोबारा से डिसअसेंबल करेंगे सारे के सारे स्टार्टर मोटर को, फिर लगाएंगे गाड़ी में, देखेंगे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है या नहीं होती। सो दिस इज स्कॉडा रैपिड, एंड तक वीडियो को जरूर देखना। ये लगभग हर गाड़ी के अंदर सेम के सेम पार्ट्स होते हैं, जो भी वैग ग्रुप की गाड़ी है एकदम सेम पार्ट्स होते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। सो ये है इसकी ऊपर के बुशेस, कार्बन बुशेस, ये अभी ठीक हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन में। कैसे बढ़ाएंगे, जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दीजिए, संख्या 5000 क्रॉस हो जाए, महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है। और एंजॉय कीजिए टाइम लैप्स को, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली वीडियो। और अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब द चैनल। इससे क्या होता है कि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहता है, आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेकर आऊँगा, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस है मेरे पास, भर भर के कॉन्टेंट पड़ा है। लेकिन प्लीज़ आप लोगों को मेरे को सपोर्ट चाहिए, सो डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। और वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अगर आपको अच्छी लगे तो। सो दिस इज़ द थर्ड फेस, अभी अपने आ चुके हैं क्लीनिंग के ऊपर, ये भी एक टाइम लैप्स की वीडियो रहेगी, लेकिन मैं फिर भी आपको प्रॉपरली डिटेल देता रहता हूँ। लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं वो है कैरोसिन ऑयल टू वॉश आउट, और जो भी पार्ट्स वॉश कर सकते हैं अपने, जिसके अंदर ये कैरोसिन ऑयल डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको वॉश करेंगे। जो बुशेज़ वगैरह रहेंगे उनको वॉश नहीं करेंगे क्योंकि वो बाद में जाके प्रॉब्लम कर सकते हैं। जितना भी लुब्रिकेंट इसके ऊपर लगा है, कैरोसिन ऑयल सारा का सारा उसको निकाल देता है, कैरोसिन काफ़ी बढ़िया रहता है वॉश आउट करने के लिए। इंजन पार्ट्स भी हम उसी से सारे के सारे वॉश आउट करते हैं। सो सारा का सारा लुब्रिकेंट जितना भी लगा हुआ है, जो पुराना ग्रीस है, जो पुराना ऑयल है, वो सारा का सारा निकल जाएगा वॉश आउट होने के बाद। फिर अपने इसको अच्छे कपड़े से साफ़ करके दोबारा सारे की सारी मोटर को असेंबल करेंगे। तो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये, इसके अंदर एक सन एंड प्लेनेटरी गेयर्स जो होते हैं उसका भी एक छोटा सा
मैं कहूँ कि सिस्टम होता है, ठीक है, और इसको भी अच्छे से वॉश आउट करना है। डू एन्जॉय द टाइम लैप्स, मैं आपको बीच बीच में डिटेल्स देता रहूँगा। यार लाइक शेयर बनता है, जोड़िए, ऐसे काम नहीं चलेगा आपके लिए। सो अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे इसका सिलेंडर है, इसके पहले की और अब की कंडीशन देखिए कितना डिफरेंस है। पहले कितना गंदा था और अभी अपने इसको वॉश आउट करके प्रॉपरली क्लीन कर लिया है। मेरे को नहीं लगता अभी अब जाके इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। अब से अब इसके सारे के सारे पार्ट्स दोबारा से असेंबल करते हैं और अच्छे से लुब्रिकेट करके प्रॉपरली ग्रीस लगा के प्रॉपरली ऑयलिंग करके फिर इसको फिट करेंगे। Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. जल्दी से लाइक और शेयर बनता है बेटा, दबा के लाइक और शेयर, ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। सो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। भाई बैटरी लगाओ। जो बैटरी की वायर है वो अभी लगी नहीं है, तो बैटरी की वायर लगाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं स्टार्ट करके भी कैसी स्टार्टिंग रहती है गाड़ी की। वायर या तो लगी नहीं होगी या प्रॉपरली टाइट नहीं होगा इसका जो नट है। देख सकते हैं आप स्टार्टर मोटर अच्छे से फिट हो चुकी है, कोई ज़्यादा फिटिंग थी नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था इसके अंदर। तो ये जो ग्राउंड की वायर है बैटरी की वो थोड़ी लूज़ है, इसको अपने टाइट कर दिया है। सो अभी मैं करता हूँ गाड़ी को स्टार्ट, ठीक है। न्यूट्रल चेक कर लेते हैं, गाड़ी न्यूट्रल में है और करते हैं स्टार्ट। एकदम प्रॉपरली स्टार्ट हुई है, कुछ भी गाड़ी मतलब स्टार्टर मोटर में जो पहले एक मैं कहता हूँ कि एक स्लो राउंड लेती थी वो भी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए एकदम प्रॉपरली एज लाइक ए न्यू प्रॉपरली काम कर रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है स्टार्टर मोटर में। सो अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है आप लोग विजिट कर सकते हैं कभी भी, मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं द जर्मन कार केयर। सो मिलते हैं अपनी अगली किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक और शेयर बनता है महाकाल के आशीर्वाद से, ठोकी दबा के लाइक और शेयर। I live inside my own world of me.